अथर्वेदीय मांडुक्य परिषद से अलात शांति नामक चतुर्थ प्रकरण के विचार करते हुए अभी हम लोग जो ग्रंथकार ने प्रतिज्ञा की थी कि सृष्टि होना संभव ही नहीं है, एकमात्र सत अधिष्ठान जो कारण रूप में प्रतीति होती है परंतु कारणतः उसमें नहीं है, इसलिए सृष्टि होना संभव नहीं है। इसको कथन करने के बाद आप प्रतिज्ञा वाक्य को पुष्ट करने के लिए हमको हेतु देना पड़ता है। हेतु मतलब स्वप्न के समान जैसे प्रातिभाषिक वस्तु होते हैं ऐसे ही हमको जागृत वस्तु भी ऐसा ही है। सारा जिस जो जो अनुपयुक्तता अथवा अयौक्तिकता स्वप्निक वस्तु में विद्यमान है जिसके कारण से हम स्वप्निक वस्तु को मिथ्या मानते हैं वो सारा वस्तु जागृत में भी विद्यमान है। सारा एक एक करके दिखा करके जागृत वस्तु इसलिए मिथ्या है। ये सिद्ध करने के बाद आप उसके पीछे दृष्टांत दे सकते हैं। दृष्टांत देने के लिए अलात का दृष्टांत दिया, मतलब जले हुए मशाल को दृष्टांत को लेकर के बोलते हैं। जब तक वो मशाल स्थिर है तो उसमें कोई आकार नहीं दिखाई पड़ता, परंतु जब भी वो थोड़ा हिलने डुलने लगता है तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की आकार दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार विज्ञान में भी थोड़ा सा जो चलन होता है उसी चलन से आकार दिखाई पड़ता है। ये तो आपने उल्टा ही बोल दिया, वो अलग से परिच्छिन्न वस्तु है, अभिज्ञान का पूर्ण व्यापक है, वहाँ पर मतलब गति स्पंदन कैसे होना संभव होगा। तब बोलते हैं कि शुद्ध विज्ञान में कोई स्पंदन नहीं है, प्रतिफलित विज्ञान में स्पंदन की प्रतीति होती है। जगत की तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, 48 समर्पिता माता जी आपका मोबाइल को म्यूट करें। तो कल हम लोग 48 तक पढ़ लिए थे। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जिस प्रकार जब हमारे अलात में कोई स्पंदन नहीं है उस समय कोई आकार नहीं दिखाई पड़ता, इसी प्रकार विज्ञान है ना, विज्ञान मतलब यहाँ पे विज्ञान में तो पारमार्थिक कोई गति है नहीं कोई, परंतु प्रतिफलित विज्ञान में जो मतलब गति की प्रतीति होती है तो यदि उसको हम रोक पाते हैं तब क्या हो जाएगा, तो जगत भी नहीं जगत में नहीं दिखा, अथवा प्रतीति होने पर भी सत्यत्व बुद्धि तो नहीं है। तो हमारे सिद्धांत के अनुसार
वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार ध्यान जो है निधिध्यासन बोलते हैं, विचार पूर्वक विचार करते हुए एक निश्चय में आना। भगवान भाष्य का छांदोग्य उपनिषद की उपघात भाष्य में लिखते हैं ज्ञान और उपासना में क्या भिन्नता है। अपने आप लिखते उपघात भाष्य में उपासना मतलब एक वस्तु को अवलंबन, शास्त्रों किसी वस्तु को अवलंबन करके उसी में बार 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 वित्त को दोहराना, ये हो गया उपासना एक ही वित्त। और ज्ञान हो गया जहाँ जहाँ से वस्तु को हमने एकाग्र किया, इकट्ठा किया, बुद्धि में रख करके विचार करके एक निर्णय में पहुँचना, फिर उसको दोहराना नहीं है। ये दोनों में भिन्नता है, छांदों को उसको उपघात भाष्य में हो गया। तो हमारे और उसमें क्या है, एक वृत्ति को बार बार दोहराते हुए क्या होता है, कभी कभी वृत्ति दौड़ रहे हैं मन एक जगह और चले जाते हैं। और तो मनन में क्या होता है, आपको हर चीज के ऊपर पूरा के पूरा अटेंशन चाहिए और उसको विचार, मतलब शास्त्र ने कैसे वहाँ पे कहा, क्यों कहा, उसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा आपको। और उस समय क्या हो जाएगा कि आपका जो है सारा इंद्रियों खुला है, यानी कि आप इंद्रियों नहीं दिखाई दे रहे, दिखाई इंद्रियों खुला रहे और जगत ना दिखाई दे। सुषुप्ति में क्या होता है, इंद्र बंद हो जाता है, जगत नहीं दिखाई पड़ता, इसीलिए फिर उठ करके तादात्म्य करते हैं। परंतु विचार करते इंद्रियों खुला रहे, जगत ना दिखाई दे, जगत ना दिखाई दे मतलब बस आपको शुद्ध चेतन पूर्ण व्यापति हो रहा है। वो स्थिति जो है एक बार अगर प्राप्त होता है तो वो कहीं नहीं जाएगा, जगत प्रतीति होने पर भी वो भाग ही जाएगा। आपको दिखेगा नाम रूप, आपका पेंट्रेटिंग व्यू क्या होगा, सच्चिदानंद की जो है मन से निश्चय करेगा। सच्चिदानंद दिखेगा नहीं आँख से, आँख से तो नाम रूप ही दिखेगा, परंतु ये सच्चिदानंद का ही एक संस्थान विशेष है, ऐसा मन निश्चय करेगा। उसके बिना रह स्थिर नहीं हो सकते, इसके बिना अस्तित्व निश्चित होगा। कि अब जो है यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि ये जो विज्ञान जब शांत हो जाए, मतलब चित्त वृत्ति भी यदि हम रोक पाते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर जो है ये जो बाहरी प्रतीति होती है ये रहने पर भी इसके साथ हमारा कोई व्यापार नहीं होगा। फिर बाद में जो ऐसा हमारे अष्टावक्रेश शास्त्र भी यही दिखाते हैं कि प्रारब्ध जनित जो कर्म कुछ भी आता है उस अपने संकल्प से नहीं, अब समझ गया कि हमारा मन तो संकल्प करूँगा नहीं करूँगा दोनों ही नहीं। यदि कभी मन में उठता है कि नहीं करूँगा, यानी कि आप जो है अपने कर्तृत्व को अभी भी विश्वास रख रहे हैं, तो आप जो है ये करूँगा नहीं करूँगा दोनों वृत्ति से ऊपर उठ करके प्रारब्ध जनित जो ईश्वर ने बना रखा उसको तो हम टाल नहीं सकते, और कर भी वही रहे हैं, हम करने वाला नहीं है। ये निश्चय हो जाने के फल स्वरूप क्या हो जाएगा, प्रारब्ध आएगा, कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। और शरीर काम करता है प्रारब्ध के अनुसार, जिस प्रकार वो होगा सो होगा, शरीर काम करेगा शरीर मत बन तो आपको पता नहीं, वो मन माइंड में इंप्रेशन नहीं डाल पाएगा, ये होता है। क्योंकि होगा क्योंकि प्रारब्ध जैसे बना हुआ है मन तो आएगा ही हमारे पास, उसको तो हम टाल नहीं सकते। शायद घर वार मकान दुकान स्त्री प्रत्न परिवार सब छोड़ दें, यहाँ जो लिख दिया भगवान ने वो तो हमारा साथ साथ रहेगा, जब तक शरीर है वो तो साथ रहेगा। इसलिए आप इसको उसको देखना सीखें, केवल इतना ही मात्र काम जन्म इतना ही काम अर्जुन को भगवान ने कराया कि बस ये जो तुमको सोच रहे कि मेरा दादा है मेरा गुरु है, ये चीज मन से हट जाए और मैं मारूंगा मैं करूँगा ये वृत्ति चले जाए, बस अंतिम अर्जुन को दिखाना पड़ेगा, अर्जुन को दिखाना पड़ा। देखो ये पूर्व से निर्धारण हो रहा था, तुम चाहे मारो चाहे ना मारो, ये लोग कभी मरने का समय, परंतु तुम भगवान के भक्त हो, और जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान उसको जस देते हैं, अनेक पुण्य के बल से जस मिलते हैं, और शुद्ध जस अपजस नहीं, शुद्ध जस अनेक पुण्य के। और जब भगवान के साथ इतना सख्त भाव था तो भगवान उनको जस देने के लिए अपने आप साथ काम करके जो है अर्जुन को दिखाई देता था। एक बार पूछा भी मां बाबा ने, जब मैं तीर चलाता हूँ आगे आगे मेरे को एक आज आएगा हमारा एकादश अध्याय में एक त्रिशूल जाते हुए दिखाई पड़ती है, क्या बात है। जब बोलते वो तो पहले जाके मार देता है तभी तू मार पाता है, नहीं तो तेरा क्या क्षमता था मारना। हाँ महाभारत में आया हुआ है, श्लोक नंबर ही बताऊंगी, तो मेरे को एक त्रिशूल दिखाई देते हैं आगे आगे। और बड़बड़ी तो बाद में कह ही दिया कि एक मैंने तो एक ही चीज़ देखा, क्या देखा, एक सुदर्शन चक्र सब बाकी कोई अस्त्र दिखाई नहीं दिया। तो यही है कि ये जितना ईश्वर निर्भरता अथवा आत्मनिष्ठा आएगा धीरे धीरे सारा जितना प्रारब्ध आता जाएगा उसके एक्सेप्टेंस मतलब अनित हमारे चक्र का संबंध है।
प्रतिकार की कोशिश करेंगे, मतलब हम वहाँ पर आराम करेंगे। तो ये जो आलात जो है यही है कि विज्ञान की जो स्पंदन होता है वो हमारे वस्तु को बना देता है, वो हमारी वस्तु को बना देता है। अस्पंदमानम विज्ञानम अनाभाषम अजुद, जब विज्ञान में कोई स्पंदन नहीं होता तब क्या होता है, वहाँ पे कोई आकार नहीं दिखाई पड़ेगा, सब जन्म रहित होगा, कोई आकार सृष्टि नहीं होती वहाँ पे। तो ये 48 तक हम कल पढ़ लिए थे, ठीक है ना, आज 49 से शुरू हो रहा है। यहाँ पे बोलते हैं कि आनंदगिरि जी उपोद्घात है, अलात दृष्टान्ते कथम ऋजुवक्रादीनम असत्यम इति आशंका निरूपण असह्यत्वात् आह। अलात दृष्टांत में कथम ऋजुवक्रादीनम, वहाँ पे जो टेढ़ा मेढ़ा जो आकार दिखाई दिया, सीधा टेढ़ा मेढ़ा का अपना असत्यम वो है नहीं, वहाँ पर कैसे बोल रहे हो, इति आशंका, इस प्रकार की शंका को निरूपण कोई सहन नहीं कर पाता। अरे भाई वहाँ पर आकर उत्पत्ति कहाँ हुआ, इस पर तो शंका करता हूँ तो दिखाई दे रहा था, तो अरे तुमको ठीक से देखने से तुमको आता ही नहीं है, वहाँ पे क्या है कि जो है ये पंखा तेजी से घूमता है तो सर्कल दिखाई पड़ता है, वहाँ सर्कल कोई है ही नहीं, मतलब प्रतीति होती है। इसलिए बताया निरूपण असह्यत्व आशंका, निरूप इस प्रकार शंका को निरूपण कर नहीं सकते, वो सहन नहीं होता, हो रहा है भगवान भाष्य का इति आह। इसको मन में रखते हुए ग्रंथकार बोल रहे हैं, कौन हमारे बहुत पता है श्लोक में आ जाएगी, अलाते स्पंदमाने वै अलाते स्पंदमाने वै नाभाषा नतो भुवः नाभाषा अन्यतो भुवः न तत्वन्नत्र निष्पन्ना न तदोऽन्यत्र निष्पन्दा नालातं प्रविशन्ति ते नालातं प्रविशन्ति ते अलाते स्पन्दमाने वै नाभाषा अन्यतो भुवः न तदोऽन्यत्र निष्पन्दा नालातं प्रविशन्ति ते। जब अलात में गति होना शुरू होता है तब ऐसे नहीं समझना कि वो आकार जो है बाहर कहीं से आ गया, आभाषा और न तो न दूसरी जगह से आया हुआ है, ऐसा नहीं है। आप कमरा बंद करके अकेला रह करके आप देख लो, वो आकार जो है बाहर कहीं से नहीं आता। अलात स्पंद माने भाई कब, निश्चित जिस समय अलात में थोड़ा स्पंदन शुरू होता है उस समय जो है वो टेढ़ा मेढ़ा आकार कहीं बाहर से नहीं आता, और जैसे ही अलग का स्पंदन बंद हो गया वो टेढ़ा मेढ़ा आकार जो है चला गया, ये भी नहीं है ना का तो अन्य निष्पन्दा, और क्या न अलातम प्रविशंति थे और न अलात में प्रवेश भी नहीं करता, तीन चीज बोल रहा है एक साथ, कहीं बाहर से आता नहीं जाए, स्पंदन बंद हो जाने पर कहीं पर जाता नहीं जाए, अब कहो कि अलात में प्रवेश करके अलात में भी प्रवेश नहीं था ही नहीं होते क्या प्रवेश करें, यदि कोई क्यों द्रव्यत्व अभाव जो होता उसमें द्रव्यत्व है नहीं, जो कोई द्रव्य धर्म वाला होता है तो आना जाना बाहर आना प्रवेश करना बंद जाना ये हो सकता है ना, द्रव्य द्रव्य तो धर्म है नहीं, प्रतीति मात्र वहाँ पे कैसे हो सकता है, इसी बोलते हैं अलाते स्पंदमान वही नाभाषा अन्न तो भूगो, आभास जो है अन्य किसी स्थान पे आता नहीं है, न तत्व अन्नत्र निष्पंदन, आज जो है जब थम जाते हैं तो निष्पंदन तो वहाँ से अन्न कहीं पर चला जाता है ये भी नहीं कह सकता, और ये तो ठीक है अलात में प्रवेश कर जाते हैं तो वो भी नहीं होता, न अलातम प्रविशन्ति ते, वो अलात में भी प्रवेश नहीं करते। अब देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं, यदा खलु अलातम स्पंदमानः समतिष्ठते, जिस समय निश्चित ही अलात खलु मतलब ऐसा समझ लो कि निश्चित घूम रहा है तो उसमें कोई स्पंदन हो रहा है, अलातम स्पंदमान समतिष्ठते, स्पंदिश होता हुआ सम्मत रूप से रहता है, स्पंदमान समतिष्ठते स्पंदित होता हुआ सम्मत रूप से विद्यमान रहते हैं, ये समुपसर्ग के साथ निष्ठाधा तो सदात्मनिर्भर हो जाता है। तदा तस्मिन् अन्नतः, वहाँ उस समय उस अलात में अन्न तो देशांतरात आगत्य आभाषा भवन्ति इति न शक्यम, इति न शक्यम वक्तुम, ठीक है वहाँ पे कौन आ तब कहते कि तो अर्थ निकालना मुश्किल पड़ता है। यदा खलु अलातम स्पंदमान समतिष्ठते, जिस समय निश्चित ही अलात में कोई स्पंदन होता हुआ विद्यमान रहता है, तदा उस समय त
तस्मिन अलाते उस अलात में अन्नत देशांतरा अन्य किसी देश से आकर के अन्नत पंचमी है देशांतरा देश दूसरी को स्थान से आगत्य आभाषा भवंती वो आभास लोग उस वहाँ पे आकर के दिखाई पड़ते हैं इति न शक्कम वक्तुम ऐसा नहीं कहा जा सकता ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखो एक नंबर आभाषा कौन सा आभाषा है ऋज्वाद्य आकार ऋजुवक्र आदि आकार वहाँ पे भवंती भवंती शब्द का तस्मिन भवंती यदि तस्मिन के साथ अन्याय होगा कहाँ है तस्मिन तदा तस्मिन अलाते भवंती उस समय उस अलात में जाता है ऐसे नहीं कहा जा सकता तस्मिन भवंती 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 इति अन्वय तस्मिन है यहाँ पे तदा के बाद है तस्मिन और भवंती आगे इसका अन्वय होगा तस्मिन तस्मिन अलाते आभाषा भवंती इति न शक्यं वक्तो तस्मिन अलाते आभाषा भवंती इति न शक्यं वक्तो उस अलात में बाहर से कहीं आ करके आभास आ गया ऐसा तुम नहीं बोल सकते क्यों किंतु ऋजु वक्राद्य आभाषाणाम देशांतराद आगमनस अनवगमान ठीक है ना ये उसका प्रतिज्ञा बोल करके हेतु दे रहे हैं क्योंकि ऋजु वक्रादि आभास को कहीं बाहर से आते हुए दिखाई नहीं पड़ता पूरा कमरा बंद करके बैठ रहा हूँ कहीं भी आपको कुछ आते हुए नहीं दिखाई देगा इसे होता है ऋजु वक्राद्य आभाषाणाम ऋजु वक्रादि आभाषों का देशांतरा कोई दूसरे स्थान से आगमन से उसका आना अनवगमन को समझ में नहीं आता दिखाई नहीं पड़ता किसी को नहीं दिखाई अनवगमन ये अनवगमन तीन नंबर के मतलब अनुपलब्धि बाधित अथवा मतलब अनुपलब्धि का जरा बाधित हो जाता है ऐसे उपलब्धि में नहीं आता समझ में नहीं आता ये हो गया फर्स्ट मतलब जिस समय अलात में स्पंदन रूप में विद्यमान है उसके बाद क्या हो जाएगा अलात का स्पंदन बंद हो गया जदा तदेव अलातम निष्पंदनम वही अलात दूसरा अलात नहीं वही अलात जिस अलात में आकार अभी दिखाई दे जाता है स्पंदन रहित हो जाता है निर्गत स्पंदनम जस्मात् स निष्पंदनम निष्पंदन निष्पंदनम स्पंदन स्पंदन वर्जितम स्पंदन से रहित हो गया अभी वो करके वर्तते विद्यमान रहता है यदा तदेव अलातम निष्पंदनम स्पंदन वर्जितम वर्तते जिस समय वही अला स्पंदन रहित होकर के स्पंदन वर्जितम वर्तते विद्यमान तदा उस समय तत् अन्यत्र आभाषा भवति इति अपि न युक्तं वक्तुं कस्मात् अनुपलम्ब विशेषा ये भी उपलब्धि नहीं होता ठीक है ना उस समय जो है तदा उस समय तत् अन्यत्र उस अलात को छोड़ करके वो आभास अन्य जगह पे जाकर अन्य स्थान में जाके बैठ गया ये भी नहीं कह सकते क्यों ऐसी उपलब्धि नहीं होती ऐसी उपलब्धि नहीं होती इसलिए तदा तत् अन्यत्र आभाषा भवति इति अपि न युक्तं वक्तुं ये बोलना भी युक्ति संगत नहीं है अकस्मात अनुपलम्ब अभिशेषक मतलब उसकी भी उपलब्धि नहीं होती किसी भी प्रमाण का द्वारा नहीं जाना जाता अनुगमत तो हो गया था अनुपलब्धि बाधित था चार नंबर टिप्पणी आभाषा भवंती मतलब भवंती शब्द यंती आभास कहीं दूसरी जगह पे चला जाता है ऐसा नहीं है है ना इसलिए बोलते हैं तथा तो अन्यत्र आभाषा यंती इति बिना वक्त वहाँ से कहीं दूसरी जगह पे चला गया ये भी आप नहीं बोल सकते हैं क्यों उपलब्धि नहीं होता ऐसा प्रतीति नहीं होता भक्तों अनुपलम्ब अभिशेषा पांच नंबर टिप्पणी में अनुपलम्ब अभिशेष मतलब उपलब्धि अनुपलब्धि तुल्यता यहाँ भी अनुपलब्धि समान ही है जिस प्रकार आने कहीं से आया नहीं ये भी दिखाई पड़ता है कहीं से कहीं गया नहीं ये भी समझ में आ जाता है इसलिए अनुपलब्धि की तरह बाधित हो अच्छा न च आभाषा तस्मिन एव अलाते लीयन्ते तद अनुपादानत्वात् उसमें लय भी निखा पे गया वो बोले अलात में घुस गया बोलते तो अलात यदि उसको उपादान कारण होता मतलब उपादान निमित्त कारण तब तो ऐसा हो सकता है क्योंकि कार्य को अपने उपादान कारण में लय होते दिखाई पड़ते अलात उसको उपादान भी नहीं क्योंकि उठा तो उत्पत्ति नहीं भी इसलिए बोलता है यदि ही न च आभाषा तस्मिन एव अलाते लीयन्ते वो आभास उस अलात में लय प्राप्त करता है तब ये भी नहीं कहा जा सकता क्यों तद अनुपादानत्वात् क्योंकि वो उसका वो उपादान कारण नहीं है परंतु कोई वादी ऐसा मानते हैं कि अलात का उपादान कारण हो गया आपका जो आभास का उपादान कारण हो गया अलात स्वयं स्पंदन हो गया उसका निमित्त कारण यदि ऐसा तुम कह रहे हो ये सही नहीं है क्यों सही नहीं देखो बोल रहे कोई वादी ऐसा यदि माने यदि ही स्पंदनम निमित्तम अलातम उपादानम ठीक है समझ में आया स्पंदन हो गया निमित्त कारण अलात हो गया उपादान कारण ठीक है यदि ही स्पंदनम निमित्तम अलातम उपादानम तदा निमित्त अभाव मात्रेन मात्रा निमित्त अभाव मात्रा
नैमित्य का अभाव अदर्शनात् ऋजुवक्रादि आकारास्पंदन अभाव अपि अलाते भवेयुरिति अर्थ। क्योंकि हमें क्या दिखाई पड़ता है कि निमित्त कारण के अभाव होने पर भी कार्य वस्तु दिखाई पड़ते हैं, उपादान कारण के अभाव हो मृत्यु का सत्य घट सत्य मृत्यु का अभाव घटाभाव, ये तो बात सही है, परंतु घट के कुम्हार के बिना भी नृत्य का दिखाई पड़ता है, बाजार में कुम्हार नहीं आता, दूसरा व्यक्ति लाते हैं। तो यदि निमित्त कारण के अभाव होने से कार्य वस्तु के अभाव होता तब तो उपादान कारण हमको मानते, यहाँ पे क्या हो रहा है निमित्त कारण कब से कार्य वस्तु का अभाव होगा, इसलिए यहाँ पे दो कारण नहीं है अलग अलग, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं यदि ही स्पंदनम निमित्तम अलातम उपादानम तदा निमित्त अभाव मात्र, निमित्त के अभाव मात्र से नैमित्त के अभाव, निमित्त क्या हुआ था स्पंदन, नैमित्त हो गया आभास, तो निमित्त के अभाव होने से आभास का भी अभाव यदि होता है तब क्या उसमें नित्य नैमित्तिक भाव नहीं है, क्योंकि निमित्त के अभाव होने पर भी कार्य द्रव्य रहता है, परंतु यहाँ पे निमित्त के अभाव होने पर कार्य द्रव्य नहीं दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए ये भाव भी यहाँ पे नहीं है, इसलिए तदा निमित्त अभाव मात्र नैमित्त को अभाव अदर्शना ऋजु वक्राद्य आकार स्पंदन अभावे अपि अलाते भवेयु, तब क्या होता है ऋजु वक्रादि का जो यदि अभाव मतलब जिस समय आकार नहीं दिखाई पड़ता स्पंदन के अभाव में वो अलात में रह सकता था, परंतु वहाँ पे क्या होता है कि जो है निमित्त कारण नहीं रहता और जो है आपको वो आभास उसका कार्य भी नहीं रहता, यानी कि वहाँ पे जो है ये इस प्रकार उपादान और निमित्त कारण उपादान कारण भिन्न करके आप नहीं कह सकते, ये भी यहाँ पे नहीं है उसका निमित्त कारण, क्यों यदि निमित्त कारण के अभाव में भी कार्य दिखाई पड़ते हैं परंतु यहाँ पे निमित्त कारण के अभाव में कार्य नहीं दिखाई पड़ रहा है, कार्य नहीं दिखाई पड़ रहा, इसीलिए कार्य के साथ इसके साथ इसका उपादान कारण निमित्त कारण ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, इसलिए आपने लिख दिया यदि स्पंदनम निमित्तम अलातम उपादानम तदा निमित्त अभाव मात्रा, तब निमित्त अभाव की मात्रा से क्या होता है नैमित्त का अभाव अदर्शना, मतलब यदि निमित्त करण के अभाव होने से नैमित्त का अभाव मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया, परंतु यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है किसी भी जगह पे निमित्त करण के अभाव होने से नैमित्त का अभाव मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया, परंतु यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है निमित्त के अभाव से नैमित्त का अभाव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे उस सिद्धांत नहीं है, इसलिए युज वक्राद्य आकार स्पंदन अभाव यदि अलाते भावी हुई थी कि ये भी हम नहीं बोल सकते, ये अभिप्राय आगे बोलते इतस्य दृष्टान्ते दृष्टानाम आभासानाम मिथ्यत्व इष्टव्यम इति आह, इस कारण से भी अपनी तरफ से हमारे आनंद के लिए तो कुछ कारण बोल करके भाष्यकार जो बोलते हैं इतस्य इस कारण से भी दृष्टान्त दृष्टान्त क्या हुए अलग, तो वहाँ पे जो आकार आभास दिखे दृष्टानाम आभासानाम जो आभास वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है उस आभासों में मिथ्यात्व वहाँ पे मिथ्या बैठा मतलब प्रतीति है वस्तु नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व इष्टव्य अभिष्ट है इति आहुषी को मन में रखते हुए बोलते हैं किंच यहाँ पे आके भाष्य आता है, ठीक है किंच तस्मिन एव अलाते स्पंद माने, और भी देखो तस्मिन एव उसके तस्मिन को लेकर के एक विधेय है और हेत्वांतरम एव स्पष्टयन पूर्वार्थ अक्षराणी व्याचष्टे, दूसरा हेतु को स्पष्ट करते हुए इस श्लोक में आए हुए पहला आधा भाग की अक्षरों को पदों को व्याख्या करते हैं भगवान वासुदेव, ठीक है हेत्वांतरम एव स्पष्टयन मतलब अलात में जो आभास है वो आभास प्रतीति मात्र है पारमार्थिक नहीं है, इसके पीछे हेतु क्या दिया था कि ना यदि आप ये बंद कर दे तो स्पंदन बंद करते हो तो आभास नहीं है, इसलिए बोलते हैं वो हेत्वांतरम एव स्पष्ट और उसका स्पष्ट करते पूर्वार्थ अक्षराणी इस श्लोक में आए हुए पहले आधा भाग के पदों को अक्षर को व्याचष्टे भगवान भाष्यकार तस्मिन एव अलाते स्पंद माने, भाष्य में तस्मिन एव अलाते स्पंद माने ऋजु वक्राद्य आभासा अलाकाद अन्नत कुतश्चित आगत्य अलाते नैव भवन्ति इति न अन्यतो भुवः, मतलब वहाँ पे क्या बोला था कि जब स्पंदन होते हैं तभी अब स्पंदन नहीं दिखाई पड़ता है, तब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो स्पंदन ही मतलब अलाती उस रूप में दिखाई पड़ता है, कोई भिन्न वस्तु वहाँ पे नहीं है, इसलिए बोलते हैं तस्मिन एव अलाते स्पंदमाने
यहाँ भी सती सप्तमी है, तस्मिन एव अलाते स्पंदमाने सती जब होता है ऋजुवक्राद्य आभास है, ऋजुवक्रादि जो आभास है अलातात अन्नत उस अलात से भिन्न किसी स्थान से कुतश्चित आगत्य किसी स्थान से आकर के अलाते नैव भवतु अलात में बैठ जाता, ऐसे नहीं कहा जा सकता इति न अन्यतो भूव, इसे को मन में रखते हुए आभासा न अन्यतो भूव, आभास अन्य स्थान से नहीं आया हुआ है। अच्छा फिर आगे टीकाकार लिखते हैं आभाषानाम देशांतरात आगमनस अनुपलभ्य हेतु कर्तव्य, मतलब ये आभास दूसरे का यही हेतु है क्योंकि आभास को दूसरे किसी स्थान से आने का कोई संभावना ही नहीं है, इसलिए आभाषानाम देशांतरात आगमनस दूसरे किसी देश वहाँ पे आ जाना अनुपलभ्य हेतु वो उपलब्ध नहीं होता, इसीलिए वो कहीं दूसरा देश से नहीं आता ये निश्चय होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हमारे विज्ञान में जो हम बाहर से कोई वस्तु की उत्पत्ति हो गया ऐसी बात नहीं है, वो जो है वो विज्ञानी इस रूप में प्रतीति होती है, विज्ञानी समय प्रतीति होती है। अनुपलब्धि एवं हेतु कृत्य तृतीय पादार्थम आह, इस अनुपलब्धि ही कोई हेतु बना करके जो है हेतु कृत्य स्वीकृत है, तृतीय पाद अर्थम तृतीय पाद के अर्थ को कहते हैं न च और न च न तत् अन्यत्र निष्पन्न न च तस्मात् निष्पन्दा अलातात् अन्यत्र निर्गता, जिस प्रकार वो जिस समय निष्पन्दित अलात है उस समय वहाँ से निकल करके दूसरे कहीं जगह पे चला गया ये भी नहीं है क्योंकि इसकी भी उपलब्धि नहीं होती, ये जो अनुपलब्धि यहाँ पे हेतु है अनुपलब्धि में हेतु कृत्य तृतीय पद अर्थम आहुति तृतीय पद के अर्थ को कहते हैं। अब चतुर्थ पद बचा हमारे पास न तीसरा चतुर्थ क्या औलाद में प्रवेश कर गया तो ये भी नहीं है, चतुर्थ पादर्थम न च निष्पन्दम हर्षकार बोलते हैं न च निष्पन्दम अलातमेव ते प्रविशन्ति, स्पंदन रहित अलात में ही वो लोग प्रवेश कर जाता है ये भी हम नहीं कह सकते, ये भी हम नहीं कह सकते क्योंकि कार्य जो है अपने उपादान कर्म में लय प्राप्त करते हैं, यहाँ पे कार्यकरण भव है ही नहीं, इसी प्रकार सारा सृष्टि भी कार्यकरण भव है मुख्य उद्देश्य एक मनोकल्पना मत न चले स्पंदन अलात में प्रवेश मतलब स्पंदन रहित अलात में प्रवेश कर जाता है ये भी हम नहीं कह सकते। ठीक है अनुपलब्धि के हेतु बना करके तृतीय पद को बोला चतुर्थ पद न चले स्पंदन अलात प्रवेश, ठीक है आगे और क्या बोल रहे देखिए तो यहाँ पे कोई अधिक मतलब विचार जो हो गया केवल दृष्टांत को समझा दिए कोई अधिक झंझट नहीं है। ठीक है रेजु वक्राद्य आभाषाना दृष्टान्ते निर्गमन प्रवेशयोर असंभवम साधयति, ऋजु वक्रादि आभासों का है ना जो दृष्टान्ते मतलब दृष्टान्त तो क्या है अलग दृष्टान्त है और विज्ञान तो दृष्टान्त है, निर्गमन प्रवेशयोर वहाँ से निकल जाना और प्रवेश करना असंभव वो होना संभव ही नहीं है, इसको सिद्ध करके दिखाते हैं उसको सिद्ध करके दिखाते हैं। क्यों किसी वस्तु को निकलना आना जाना यदि उसमें द्रव्यत्व धर्म हो कोई सद वस्तु हो तब तो उसका आना जाना तो असंभव है, कोई व्यक्ति है तो गया कोई आया होता है, व्यक्ति नहीं है तो आएगा जाएगा कौन, ये यहाँ पे अभिप्राय बोलते हैं ऋजु वक्राद्याभाषाराम दृष्टान्ते निर्गमन प्रवेशयो, दृष्टान्त मतलब औलाद में उसमें निर्गमन वहाँ से निकल जाना अथवा प्रवेश दोनों का ही षष्ठी दिवस असंभव साधते दोनों होना संभव नहीं है इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। क्या श्लोक में 50 निर्गता अलातात्ते न निर्गता अलातात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः द्रव्यत्वाभावयोगतः विज्ञानेऽपि तथैव स्युः विज्ञानेऽपि तथैव स्युः आभासस्याविशेषतः आभासस्याविशेषतः न निर्गता अलातात्ते न निर्गता अलातात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः विज्ञानेऽपि तथैव स्युः आभासस्याविशेषतः। न निर्गता अलातात्ते जैसे निर्गता उसे आगता न निर्गता न आगता अलातात्ते अलाते अथवा अलाता है ना,
तो पंचमी जो अपादान में पंचमी आया तो हम शब्द में बोल रहे थे क्यों, हेतु एक ही है द्रव्यत्व अभाव। जो पहले हेतु क्या दिया था, अनुपलब्धि। दूसरा हेतु क्या दे रहा है, द्रव्यत्व की अभाव है, वस्तु है नहीं वहां पे। द्रव्यत्व से क्या वस्तुत्व अभाव। पहले क्या बोला था हेतु, पहले क्या दिया था, पहले दिया था उपलब्धि नहीं होने। दूसरा हेतु क्या दे रहा है, वस्तु तो अभाव, द्रव्य नहीं है, मतलब अलात्म जो आपको आभास दिखाई पड़ रहा है उसमें कोई वस्तुविकता है नहीं। द्रव्यत्व अभाव योगत, द्रव्यत्व धर्म की अभाव के कारण, द्रव्यत्व धर्म के अभाव के कारण। ठीक इसी प्रकार के अभी क्या विज्ञान अपि तथैव स्युः, है ना। इस विज्ञान में भी जो शुद्ध चेतन में भी इस प्रकार जो है वहाँ भी कोई विकार होना अथवा आकार होना संभव नहीं है। आभास सके वो भी एक आभास है, इसीलिए कहीं से आया उससे सृष्टि हुआ, वहाँ पर लय प्राप्त करते हैं। ईश्वर से सृष्टि रद्द कर लो, सृष्टि रद्द कर में लय, ये सब अजात बात है, अजात बात में तो ठीक है। इसीलिए आभास स्विशेष है, क्योंकि वो भी आभास है। सामान्य रूप से वहाँ भी ऐसे ही समझना पड़ेगा, आभास अभी अविशेष मतलब सामान्य था, वहीं पर जैसे यहाँ पे आभास है वहाँ भी ऐसे ही आभास है। तो देखिए टीकाकार बोलते हैं दृष्टांत निविष्ट, पहले ऋजु वक्रव्य आभाषाणाम दृष्टांत निर्गमन प्रवेश असंभव साधयति न इत्यादि न निर्गता तत्ते द्रव्यत्व जगत। दृष्टांत निविष्ट आभास, दृष्टांत निविष्ट आभासवत दृष्टांतिक अभी जन्माद्य आभाषा मिथ्य एव भवेयु इति आवश्यक है ना। ये भवेयु कौन सा लगा है, दृष्टांत ये कंडीशनल अर्थ में भी जो है वो विधिलिंग का प्रयोग करते हैं, अतः होना संभव ही नहीं है इसको। दृष्टांत निविष्टा, दृष्टांत में निविष्ट है जो आभास, जैसे दृष्टांत में क्या दिखाई रही है वो आभास है, वो मिथ्या है। ठीक इसी प्रकार दृष्टांति के अभी दृष्टांत के तरह जिसको समझाया जाता है, मतलब यहाँ पे विज्ञान है ना चेतन, दृष्टांतिक अपि जन्मद आभास जन्म जत्याभास चलाभास वस्तुआभास ये सब मिथ्या ही भवे, उसको मिथ्या ही होना चाहिए, उसको मिथ्या ही होना चाहिए। क्योंकि आह ये बुद्धि है विज्ञान अपि तथैव स्युः, उसको वहाँ वहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए। क्यों उसको बोलते हैं ऋजु वक्राद्य आकारेषु जन्माद्य आकारेषु च आभासत्वस्य तुल्यत्वात् इति हेतुमाह। चतुर्थ पद में क्या है आवास आभासस्य अविशेषतः, ठीक है ना। वहाँ पे दृष्टांत में क्या है ऋजु वक्रादि आभास, और विज्ञान में क्या है जात्यादि आभास, ठीक है ना। वहाँ पे ऋजु वक्रादि आभास, विज्ञान में जात्यादि आभास, जात मतलब जाति धर्म प्रथम जात्याभाषम चलाभाषम वस्त्राभाषम आदि स्वीकरण होगा। इतश्च इस कारण से भी दृष्टांते दृष्टांत में मिथ्यात्व आभाषाणाम जिस ऋजुवक्रादि एक मन आगे आ गया ऋजुवक्राद्य आकारेषु ऋजुवक्रादि आकारों में जन्माद्य आकारेषु च ऋजुवक्रादि आकार कहाँ पे है अलात में और जन्माद्य आभास कहाँ पे है विज्ञान में। इसके बाद च इन दोनों में आभासत्वस्य है ना जो आभासत्व रूपी धर्म तुल्यत्म समान रूप से बैठा तुल्यत्व आभासत्व तुल्यत्व आभासता रूपी धर्म तस्व भावे तथा उसके धर्म ही बोलते हैं उसको, वो दोनों में समान है। इति इसी को कहते हैं हेतु माह, इसलिए बोलते हैं क्यों वहाँ पर नहीं हो सकता आभासत्व अविशेषत, दोनों में आभासत्व समान रूप में बैठा हुआ है। आभासत्व उसको देखते क्या होते हैं दृश्यत्व इति अर्थ है ना कि मतलब मिथ्या दृश्यत्व सत्वत पहले से ही अनुमान चलता है विवादस्पद जगत जहाँ पे दृश्यत्व बैठेगा वहाँ मिथ्या है ना। हम तो उल्टा सोच रखा कि जहाँ दृश्यत्व है सत्य है, शास्त्र बोलते हैं कि दृश्य मिथ्या दृश्यत्व दृश्यत्व यहाँ पे तो आभासत्व तुल्यत्व इति हेतु आभासस्य इति। ठीक है अब जो है भाष्य के लिए उपंखा दे रहे हैं टीका का इतश्च दृष्टान्ते मिथ्यात्व आभाषाणाम एष्टव्यम इति आह। इस कारण से भी दृष्टांत में मतलब अलात में जो आभास दिखाई पड़ रहा है वो मिथ्या ही होना चाहिए, उसके पीछे कारण क्या दे रहा है द्रव्यत्व अभाव योगा द्रव्यत्व धर्म का अभाव होने के कारण होता है। इतश्च एक ड्यू टू वन मोर रीजन क्या है वो दृष्टांत
मिथ्यात्म आभाषा नाम दृष्टान्त में आभाषों में मिथ्यात्व धर्म बैठा हुआ है वो अभिष्ट मिथ्यात्व ये अभिष्ट है इति अहोषिक मन में रखते भगवान भास्कर होते हैं किंच और भी देख लो न निर्गता अलाताते आभाषा गृहादिव द्रव्यत्व अभाव योग तो आभास घर से बाहर नहीं गया क्यों क्योंकि घर से बाहर हो जा सकता है कोई द्रव्य हो तो द्रव्यत्व धर्म यहाँ पे है नहीं द्रव्यत्व धर्म यहाँ पे आभाषित मात्र है इसलिए बोलते हैं कि न निर्गता जिस प्रकार क्या हो गया दूर से कोई व्यक्ति आश्रम में ना एक रेड लाइट किसी कमरे के अंदर घूम रहा है उस कमरे में कोई यात्री था वो सोच रहा है कि यहाँ पे एक लाल रश्मि कहाँ से आ रहा है कोई मतलब कोई दूर से कोई लाइट जो है कमरे में डाल रहा था तो वो और वो आपको पता नहीं लगेगा कोई से कोई डाल रहा तो हमने बोला कि वो लाइट लाइट आपको पता नहीं आया रात को हमारे कमरे में लाल घूम रहा लाइट लाइट घूम रहा तो भाई पकड़ो उसको घूम रहा है तुम्हारे लगे पकड़ो तुमको पकड़ में आता है कि नहीं आता है तो नहीं पकड़ में नहीं आता दिखाई नहीं अरे आभास मात्र है इसमें द्रव्य तो नहीं है इसमें यथा तो नहीं है कुछ बाद में पता लगा हमारे बगल में तो अज्जू है ना अज्जू वो मजा करके कोई एक लाइट उठ कुछ लाया था तो दूर से किसी घर में डराने के लिए दूर से उसको दो दो तीन दिन बाद बात पता लगा वो अपने लोग घबरा जाते हैं उससे किंचन न निर्गत अलाता आभास अते आभाषा गृहत की वजह से घर से कोई वस्तु बाहर जा सकता है इस प्रकार अला से भी वो जो है आभास बाहर चला गया ये नहीं कहा जा सकता क्यों द्रव्यत्व अभाव योगतः द्रव्यत्व रूपी धर्म का अभाव होने के कारण देखिए द्रव्यस्य भाव द्रव्यत्व तस्य भावित्व प्रत्यय अथवा ताप प्रत्यय तस्य भावत्व में आता है धर्म दिखाने के लिए द्रव्यस्य भाव द्रव्यत्व तद अभाव द्रव्यत्व अभाव ठीक है ना द्रव्यत्व अभाव योगतः मतलब उससे द्रव्यत्व की अभाव रूपी धर्म से जुड़ा हुआ होने के कारण जुड़ा हुआ होने के योगत मतलब जुड़ा हुआ होने के कारण द्रव्यत्व अभाव युक्ते इस प्रकार द्रव्यत्व रूपी धर्म की अभाव से युक्त होने के कारण वस्तुत्व अभाव उसमें पारमार्थिकता की अभाव है इस कारण से है ना समझाया द्रव्यत्व अभाव योगतः पंचमी अर्थ में तस्वीर पड़ते हैं तो वहाँ पे युक्ति शब्द को लेकर के देखो पंचमी कर दिया द्रव्यत्व अभाव यही युक्ति है द्रव्यत्व अभाव रूपी युक्ति के बल से है ना उसमें पारमार्थिकता तो क्या क्या वस्तुत्व अभाव उसमें पारमार्थिकता की अभाव है इति अर्थ इसका भी प्रत्यय यहाँ पे वस्तुत्व अभाव में क्या होता है सत्यत्व अभाव ठीक है ना एक नंबर टिप्पण सत्यत्व अभाव एक नंबर टिप्पण वस्तु दो दिए एक कर उसको ठीक एक कर दीजिए क्योंकि दो नंबर देखिए ठीक उसी का नीचे है तथा ही बदलू दो नंबर है ना जी तो उसको एक कर दीजिए ठीक कर दीजिए उसको अच्छा फिर यहाँ पे बोल रहे हैं दृष्टांत तीन चौ टीका में देखिए तदेव पूर्व अर्थ पूर्वार्थ योजनाया विषदयति तदेव मतलब ये द्रव्यत्व के अभाव जो होता है इसी को ही जो है ये द्रव्यत्व अभाव से जुड़ा हुआ है इसीलिए तदेव पूर्वार्थ योजनाया श्लोक के पहले आधा भाग को अन्वय करते विस्तार करते हैं विषदयति वहाँ पे कहाँ पढ़ेंगे अभी हम लोग नौ नौ निर्गत वहाँ पे उसका प्रतीक होगा भाष्य न निर्गता अलाता आभाषा गृहाद इव द्रव्यत्व अभाव योगत द्रव्यस्य अभाव द्रव्यत्व तद अभाव द्रव्यत्व अभाव द्रव्यत्व अभाव योगत द्रव्यत्व अभाव युक्त है वस्तुत्व अभाव इति अर्थ इसका अर्थ किया ठीक है पांच नंबर टिप्पणी तदेव इति अवस्तुत्व रूप रूप हेतु हेत्वांतरम इति अर्थ अवस्तुत्व अवस्तुत्व रूप हेत्वांतरम इति अर्थ तदेव मतलब जो एक पहला हेतु किया था पहला हेतु था कि उसमें जो है प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होता उपलब्धि नहीं होता दूसरा हेतु कहते हैं अवस्तुत्व इसलिए बोलते हैं यहाँ पे अवस्तुत्व रूप हेतु अंतरम अवस्तुत्व रूपी हेतु अंतरम उसके बोलते हैं तदेव क्या बोलते हैं तदेव पूर्वार्थ योजनाया विषदयति न टीका में आ जाइए फिर ऋजु वक्रात्य आभाषाणाम वस्तु तो अभाव अपि किम इति प्रवेशादि असिद्धि रीति आशंका ठीक है ऋजु वक्रादि आभाषों का वस्तु तो धर्म के अभाव है
वस्तुत्व धर्म के अभाव मात्र से प्रवेश के साथ क्या संबंध होगा? इसमें वस्तुत्व का प्रवेश अप्रवेश से क्या संबंध है उसका, ये बहुत प्रश्न है। रेजु वक्राद्या आभाषाना, रेजु वक्रादि आभाषों का वस्तु तो अभाव अपनी, वस्तु तो अभाव मतलब छह नंबर, मतलब वस्तु तो अभाव उसमें पारमार्थिक मतलब सत्यत्व के अभाव होने पर भी इति अर्थ ये अभिप्रेत अर्थ है। वस्तु अभाव अपनी किमित प्रवेश आदि असिद्धि, मतलब उसमें प्रवेश की असिद्धि कैसे हो सकता है, प्रवेश की असिद्धि कैसे हो सकता है प्रश्न हुआ था। इसमें अलात कहीं से आता, अलात में आभास कहीं से आकर के प्रवेश कर जाता है और निकल करके फिर वहीं चला जाता है। तो पहला हेतु क्या दिया था, न्याय से उपलब्धि नहीं होता। दूसरे हेतु क्या दिया, वो अवस्तु है ना, उस प्रश्न ये हुआ। बोलते अब हेतु क्या देंगे, क्योंकि वस्तु तो धर्म नहीं है तब तो निकल जाता है, ये अभिप्राय से हेतु वक्र आभाषा नाम वस्तु तो मतलब वस्तुत्व अभाव अपनी वस्तुत्व अभाव अपनी वस्तु अभिमान वस्तु तो लिखा है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे टिप्पणी का क्या भिन्नता है, मूल में और टिप्पणी में क्या भिन्नता दिखाई दे रही है आपको, जिसके ऊपर टिप्पणी है छह नंबर टिप्पणी क्या लिखा है वहाँ पे, जिसके ऊपर टिप्पणी है हास्य पंक्ति में क्या लिखा है, वस्तुतः अभाव है, और टिप्पणी में क्या लिखा है, वस्तुत्व अभाव, वस्तुत्व अभाव। तो यहाँ पे वस्तु वस्तु वस्तुतः मतलब पारमार्थिक दृष्टि से तुझे बोले वस्तुत्व धर्म के अभाव है वहाँ पे हमारी कोई है वस्तुत्व अभाव है। टिप्पणी टिप्पणी नहीं, वहाँ पे वस्तुत्व वस्तुत्व मतलब अभाव अपनी वस्तु मतलब वहाँ पारमार्थिकता के अभाव होने के कारण वस्तुत्व अभाव है, वस्तु में ठीक दृष्टि से उसका वस्तुत्व अभाव मतलब वहाँ पे क्या हो गया, वस्तु की वस्तुतः अभाव मतलब क्या हो गया, पारमार्थिक दृष्टि उसका अभाव है। और यहाँ पे बोलता है वस्तु में रहने वाला धर्म की अभाव है, इसमें वस्तु तो अभाव है पारमार्थिक वहाँ पे वस्तु है नहीं, और यहाँ पे क्या बोलता है वहाँ पे वस्तु तो धर्म नहीं, ये दोनों में भिन्न है। वस्तु तो वहाँ पे वस्तु तो मतलब यथार्थ तो वहाँ पे वो वस्तु नहीं है, यहाँ पे बोलते हैं वस्तु प्रतीति हो रहा है परंतु वस्तु तो धर्म नहीं है, ये दोनों में भिन्न है। अतः अभाव्यपी अर्थ वस्तु तो अभाव किमिति प्रवेशादि असिद्धियों पर प्रवेश अथवा निर्गमन आदि से कहेंगे निर्गमन है ना, इसका असिद्धि क्यों हो सकता है, इति आशंका वस्तुनो ही प्रवेशादि संभवती न अवस्तुन, कोई वस्तु है तब तो उसका जो है प्रवेश अथवा निर्गमन होना संभव है, जो वस्तु है नहीं उसका क्या प्रवेश है निर्गमन होगा, उसका कैसे बोलते हैं न अवस्तुन, जो वस्तु है नहीं कैसे हो सकता है। जब वस्तु भाष्यकार बोलते हैं वस्तु न ही प्रवेश आदि संभवते न अवस्तु न, जो वस्तु है नहीं उसका कहाँ से प्रवेश आदि होगा, ये इस अभिप्राय है। आप बोल रहे हैं द्वितीय अर्थम योजयन दृष्टांतिकम आचष्टे, पहला भाग में दृष्टांत है दूसरा भाग में दृष्टांत है, इसलिए बोलते हैं द्वितीय अर्थम द्वितीय आधा भाग को अन्वय करते हुए दृष्टांतिकम, दृष्टांत भाग का विज्ञान, विज्ञान में इसको घटा करके दिखाते हैं विज्ञान आचष्ट उसके बारे में कथन करते हैं। चक्षिण धातु है चष्टे चक्षाते चक्षते उस भी अर्थ में आता है, तो विज्ञान अपनी विज्ञान में भी ऐसे होता है, विज्ञान अपनी जात्याद्य आभाषा तथे यशु, विज्ञान में भी जो जात्याभास वस्तुआभास चलाभास अथवा आपका ये जो भी कुछ आभास दिखाई पड़ता है विज्ञान में भी आभास तथैव स्यु ऐसे ही मतलब मिथ्यैव स्यु, तथैव मिथ्य मतलब प्रतीति है वास्तविक नहीं है, ये मिथ्य का दो नंबर टिप्पणी तथैव स्यु मिथ्यैव भले यु, एक अस्तु से किया भूधातु से किया बस तथैव मतलब वहाँ पे मिथ्यत्व धर्म बैठ मतलब प्रतीति है वस्तु नहीं है तथैव स्यु, क्यों आभासस्य अविशेषत आभासस्य अविशेषत मतलब तुल्यत्वात्, आभासत्व धर्म दोनों में बराबर बैठा हुआ, आभासत्व धर्म दोनों में बराबर बैठा हुआ। तीन नंबर टिप्पणी आभासस्य इति आभासत्वस्य दृश्यत्वस्य इति यावत्, आभास मतलब दृश्यत्व धर्म दोनों में बैठा हुआ है, आभास मतलब प्रतीति हो रहा है, इसलिए तीन नंबर टिप्पणी आभासस्य, तो यहाँ पे आभासत्वस्य मतलब आभासत्व रूपी धर्म मतलब दृश्यत्व रूपी धर्म दोनों में समान है तुल्यत्व यहाँ भी हो गया। अब जो है कथम तुल्यत्व तुल्यत्व साधेन उत्तर श्लोकेन साधयति, ये तुल्यत्व रूपी धर्म है किसमें, विज्ञान में और अलग इन दोनों में तुल्यत्व रूपी धर्म है, वो डेढ़ श्लोक के द्वारा उसको दिखा रहे हैं, सार्ध श्लोकेन मतलब डेढ़ श्लोक अगला 51 और 52 यानी कि इसका तीन लाइन तो होगा उसको और बाकी उसका उपसंहार कंक्लूशन ये होगा।
कथम तुल्यत्वम इति अह, इसमें दोनों में मतलब आभास में और विज्ञान में समरूपता है, ये कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं इस कैसे तुल्यता है दोनों में, कथम तुल्य तुल्यत्वम इसी को कैसे सामान्य है समान धरो बेटा। साठे न उत्तर श्लोक न अगला डेढ़ श्लोक के द्वारा उसको साधे सिद्ध करके दिखा। तो वहाँ पे देखिए कि 51 विज्ञाने स्पंदमाने वै, विज्ञाने स्पंदमाने वै नाभासन्न तो भुवः, नाभासन्न तो भुवः न ततोऽन्यत्र निष्पन्ना, न ततोऽन्यत्र निष्पन्ना न विज्ञानं विशन्ति ते, न विज्ञानं विशन्ति ते विज्ञाने स्पन्दमाने वै नाभासान्यतो भुवः, न ततोऽन्यत्र निष्पन्ना अन्यं विज्ञानं विशन्ति ते नानिर्गतास्ते विज्ञानात्, नानिर्गतास्ते विज्ञानात् द्रव्यत्वाभावयोगतः, द्रव्यत्वाभावयोगतः कार्यकारणताभावात्, कार्यकारणताभावात् यतोश्चिन्ता सदैव ते, यतोश्चिन्ता सदैव ते नानिर्गतास्ते विज्ञानात् द्रव्यत्वाभावयोगतः कार्यकारणताभावात् यतोश्चिन्ता सदैव ते। देखिए पहला तीन लाइन जो है जैसा औलाद में दिखाया था उसको यहाँ पे दिखाया है, न निर्गता अलातास्ते, ठीक है वहाँ पे क्या श्लोक है न निर्गता अलातास्ते द्रव्यत्व अभाव योगत अलात स्पंदे वाने भाई नाभास अन्यत्व भू न तत्व अन्यत्व निष्पंद न अलातम प्रविशन्ति ते, ठीक जो 49 है उसी को देखे विज्ञान स्पंद माने भाई नाभास अन्यत्व भू न तत्व अन्यत्र निष्पंद न विज्ञानम प्रविशन्ति ते, तो अलात पे जाकर विज्ञान शब्द लिख दिया। बाकी ये क्या दुष्ट में आया था न निर्गत अलातात्य द्रव्य अभाव योगत, ठीक है नहीं बोलता न निर्गत द्रव्य, यहाँ भी बोलता है न निर्गत विज्ञानात्य द्रव्य अभाव योगत, यहाँ पे तुल्य तो अलात और विज्ञान में दिखा दिया, निष्कर्ष क्या निकला श्लोक में भी तुल्य तो दिखाए, हाँ नहीं श्लोक में श्लोक में तो तुल्य तो हम दिखा रहे हैं, देखो क्या ग्रंथ का तो विज्ञान और अलात में दिखा रहे हैं क्योंकि हम एक लाइन शब्दों का देखिए वहाँ देखा है उसको तो हम देखा है भाष्य का दिखाएंगे उसको, तो और मतलब उसका निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कार्य कारण का अभाव, उसमें कार्य कारण भाव कभी है ही नहीं, जब कार्य कारण भाव है ना दिखाई क्यों पड़ता है, अचिंता खल रे भावा न स्नातर के न जो गए जो अचिंत भावा है पूरे करो तर्क के द्वारा इसका निष्पन्न नहीं कर भाष्य का दिखते हैं वहाँ पर ब्रह्म सुख में कहीं पाए दो तीन बार अचिंता कर दे बाबा ना तंस तत् के ना जो ले प्रकृति के परे दस्तु तत् अनंतम तत् अचिंत उच्च, तो सामान्य नियम से परे है उसी को अचिंत कहा जाता है, ब्रह्म सुख में तो बचने में भगवान बच पाए अचिंता कर दे बाबा ना तंस तत् ये भाव मतलब ये जो वस्तु सामने दिखाई दे रहा है अचिंत अनिर्वचनीय है, इसको तर्क के द्वारा सिद्ध कभी नहीं कर पाओगे, ये प्रकृति से परे है, ये प्रकृति से परे है, इसी का बोलते हैं कार्य कारण तक अभाव, क्योंकि वहाँ पे कार्य कारण भाव के अभाव है तत्त, क्योंकि स्थिति अतः अचिंत सदैव थे वो अचिंतनीय है अनिर्वचनीय है हमेशा ही अनिर्वचनीय ही रहेगा, हमेशा अनिर्वचन सदैव थे अनिर्वचनीय अचिंत थे, वहाँ पे एक दो नंबर टिप्पणी तीन नंबर है अचिंत्या के ऊपर देखिए अचिंत्या दो नंबर के तीन नंबर क्या लिखा होंगे दो नंबर किसी को ढूंढ के मिल ही नहीं रहा है दो नंबर है देखिए दो नंबर अचिंत्या सत्यादि रूपेण निर्वक्तुम अशक्य इति अर्थ मतलब सत अथवा असत रूप में उसको निर्वचन नहीं किया जाएगा, सत्वादि रूपेण निर्वक्तुम अशक्य इति अर्थ अचिंत्य है ना, उसको सत असत रूप में निर्वचन नहीं किया जा सकते यह तो अचिंत्य शब्द का। अच्छा अब फिर टीका में आ जाएंगे, टीकाकार बोलते नहीं तस्मिन् विज्ञाने यथा कथंचित चलनमती तत् अन्यस्मा कस्मचित आगत्य जन्मद्य आभाषा तत्र भवितुम अर्हन्ति तथा प्रथा अभावात्। फिर जैसे वहाँ पे कहाँ के थे यहाँ भी वैसे दृष्टांत और दृष्टांत में ऐसे शब्द लगाने हैं आपको, नहीं
ही को अलग निश्चित ही ऐसा हो रहा है। तस्मिन विज्ञाने, उस विज्ञान में यथा कथनचित, जिस किसी प्रकार से जो चलन होना संभव नहीं है, यथा कथनचित चलन आपको प्रतीति हो रहा है तो भी है ना। देखें दो प्रकार की कल्प वहाँ पे बताया था, विचार लते नेंगते, भगवद गीता में आता विचार, वन इज एक्सटर्नल मूवमेंट, अनदर इज इंटरनल मूवमेंट। कहीं आपको क्या हुआ है, शरीर में ना किसको नहीं दिखाई पड़ रहा, तो मन में विक्षिप्त है, वो क्या है क्यों हो रहा है, ये इंधनम, ये यहाँ पे कथनचित शब्द से यदि ऐसा हो, यथा कथनचित चलनवती, जिस किसी भी प्रकार से मतलब चलती हुई, तत्व अन्नस्मत विज्ञान चल, यहाँ पे तब क्या होगा, चलनवती में कौन सा विभक्ति होगा, यथा कथनचित चलनवती, सप्तम एक वचन तस्मिन विज्ञाने, उसका विशेषण है ये तस्मिन विज्ञान, इसका विशेषित कर रहे हैं ना, इसलिए सप्तम एक वचन होगा है ना, चलन वाली चलती हुई चल उसमें, इसलिए कथन कथनचित चलनवती, तत् अन्नस्मात् कस्माचित् आगत, उस मतलब विज्ञान से अन्न किसी भिन्न अन्न किसी स्थान से आगत आ करके आगत्य जन्मत्य आभाषा, वो जन्म जात्याभास वस्तु आभास क्रियाभास जो भी कुछ है जात्या आभाषा, तत्र भवितुम् अर्हन्ति, युवा का यह करना होगा है ना, न अर्हन्ति क्यों, तथा प्रथा अभाव, इस प्रकार की प्रसिद्धि की अभाव होने के कारण, तथा प्रथा अभाव, ठीक है, पंक्ति न को वहाँ से उठा करके अर्हन्ति के साथ अन्वय करना पड़ेगा, ही निश्चित ऐसा है। तस्मिन विज्ञाते यथा कथनचित चलनवति, वो विज्ञान जिस किसी भी प्रकार से यदि कभी आपको तथा तो होना संभव नहीं है किसी ने मान लिया है, तत् अन्नस्मात् कस्माचित् आगत जन्माद्य आभासा, जन्माद्य आभासा तत् विज्ञानात् अन्नस्मात् कस्माचित् आगत है ना, जन्म तत्र भवितुम अर्हन्ति, तत्र तस्मिन् विज्ञाने भवितुम न अर्हन्ति, वहाँ पे आया ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्यों, तथा प्रथा अभावात, इस प्रकार नहीं है तो प्रसिद्धि भी नहीं है, दिखाई भी नहीं पड़ता है, न च तस्मात् विज्ञानात् अचलतया अवस्थिता अन्यत्र आभाषा भवितुम उत्सहते प्रतीति अभावस्य तुल्यत्वात्, यहाँ भी एक कमा लगा देना, क्योंकि तब जाता कि अब दूसरी बात क्या बोलता है, एक हो गया कि दूसरे कहीं से आया नहीं, अब जब चलना बंद हो गया तो कहीं चला गया वो, तो वो भी नहीं प्रतीति हो गया, पहले तो देखना भूल गया था, दूसरे बात में टकटकी लगा कर देखूंगा क्या होता है, वहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो बोलते हैं कि न च और ये भी न तस्माद विज्ञाना, उस विज्ञान से, वो विज्ञान किस अवस्था में, अचलतया अचलता विज्ञाना है ना, तो अचल अचल तस्माद विज्ञाना अचलतया, वो चल रहित होकर के अवस्थिता, तो विज्ञान किस अवस्था में बैठा है, अभी चल रहित अवस्था में, उस विज्ञान से अन्यत्र आभाषा भवितुम उत्सहन्ते, वो आभाषा दूसरा चला जाएगा, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, हम लोग उस जगह में चलते हैं, आवास वहाँ पर अंदर जाके चला जाएगा, ऐसा भी नहीं कह सकते, वो आवास में कैसा उत्साहित नहीं होते ना, तुम कुछ कर नहीं रहे, हम लोग दूसरी जगह में जाते हैं, खाने पीने भी नहीं दे रहे, तुम्हें हिलने जुलने भी नहीं दे रहे, दूसरे जगह में चला जाते, ऐसा नहीं कि अन्यत्र आवास भविष्य न उत्साहते, वो लोग वहाँ पीते तस्मात विज्ञान को भी नहीं होता, क्यों, प्रतीति अभाव से तुल्यत्वा, यहाँ भी प्रतीति का अभाव, तस्य तथा प्रथा अभाव बोला था, यहाँ भी उस प्रकार प्रथा से प्रतीति, उस प्रकार प्रतीति का अभाव होने के कारण तुल्यत्वा। अच्छा भाई, तो दो ही थर्ड क्या बचा, अलात में प्रवेश कर जाएगा, थर्ड क्या था, एक अलात से आना, एक अलात से बाहर कर जाना, तीसरा था अलात में प्रवेश कर जाना, तो बोलता है तुल्यता नापि, थर्ड नापि तदैव विज्ञानम प्रविशन्ति है, उसी विज्ञान में वो प्रवेश कर जाता है, ये भी नहीं कह सकते हम, नापि तदैव विज्ञानम प्रविशन्ति, और उसी विज्ञान में प्रवेश कर जाता है, जैसे वहाँ पे अलात में ऐसे यहाँ पे विज्ञान में, ये भी नहीं कहा। मेरा एक प्रश्न था, जब श्रुति कहती है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तो इसको इसको हम अजातिवाद में कैसे दिखाएंगे, ये जो प्रश्न आप उठा रहे हैं, ये प्रश्न का उत्तर पहले दे करके आया हुआ है, आया दिया, देखे दिया कि नहीं दिया, जो प्रश्न अभी स्वामी जी उठा रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर इस ग्रंथ में दिया कि नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट पहले दूसरे से पूछ लूँ कि यहाँ बैठे हैं कि कहीं और जगह पे है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, दिया क्या दिया था, किस किस रूप में उठाया था प्रश्न को, आप अपने को बोलते हैं परम परंपरागत विद्या से है, आपका गुरु जी ने सूत्र रचा, आपने तो यतो वा इमानि बोला, उनको लपेट के व्यास सेव जी को भी लपेट लिया, मतलब जन्मादस्य जत, आपका गुरु जी ने सूत्र रचा, ये सूत्र कहाँ से आया, तो वहाँ पे देखा था, वहीं पे उसी सूत्र में दिया हुआ है कि शास्त्र योनित्व शास्त्र से प्राप्त हो गया, इस तब तो ये श्रुति दिया यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, उत्तर क्या दिया था वहाँ पे,
अविवेकी व्यक्तियों को समझाने के लिए ये हमने जातवाद को मान्यता दे करके समझाया, क्योंकि वास्तविक वहाँ पे है ही नहीं, परंतु सामान्य व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति तो विचार करके समझ जाएंगे। सामान्य व्यक्ति को संपन्न, तो उसमें भी क्या बताया, जाति दोष अनक्षति दोषों पर अल्प भविष्य थे, उनको एक लाभ ये होगा कि वो एक ही कारण समस्त जगत में एक ही मूल का, इतना तो उसने समझ में आ गया, फिर बाद में क्या दिखाएंगे उसमें कारण आता है, क्योंकि धर्म ही नहीं है, वो आसान हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पे ये प्रश्न उठाया था। यहाँ पर आपने उपनिषद के आधार पर बोला, यहाँ पे व्यासदेव जी को लेना चाहिए, हो जाएगा उपनिषद ब्रह्मसूत्र दोनों आ जाएगा लपेट में, इसलिए वो उठाया था, शंका उठाया था आनंदगिरी जी ने, और फिर उसका समाधान दिया हमारे ग्रंथकार ने, मतलब वाटिका कालिकाकार ने दिया उसका। वो बोला था वहाँ पे आया था कि ये बोले थे कि जो सामान्य व्यक्ति को अजात आसान से समझ में नहीं आएगा, तो ग्रंथ का सामान्य व्यक्ति को भी इस मार्ग में लगा के रखने के लिए जहाँ तक समझ में आता है उसको मना देते हैं, फिर जब उसको एक कारण बात सिद्ध हो जाएगा फिर बोलेंगे कि कारण तो रूप धर्म उसमें नहीं है परंतु एक वस्तु है। ये पहले बोल, इसलिए जाति दोष अनाश्वत संति दोष अल्प भविष्य, एक या दो जन्म में मुक्त हो जाएगा, ऐसे बोला था वहाँ पे, अल्प एक अधिक दो जन्म, और उनको ब्रह्म लोग जाके भोगना ये भी नहीं होगा, यहीं पर आ करके एक दो जन्म में मुक्त हो जाएगा, ऐसा कहा। आनंदगिरी जी शंका भी उठाए तो उत्तर भी दिए थे, तो समय हो गया, अभी भी रखते हैं कल के, पता नहीं लगता गंगा देवी तक पता नहीं लगता। आज कौन सा होगा, आज है फिफ्थ डे, मतलब आज थर्ड, ये लास्ट वाला छः, आज फिफ्थ डे है, आज सुबह कौन सा किया हमने, हाँ दूसरा किया ना, तब छठा, तब लास्ट वाला होगा, लास्ट में होगा, मतलब यत् प्रज्ञा लोका भाषा प्रतिहति अगमं शान्तस्तु महान्धकारो मज्जोन्मज्ज च घोरे अशत्कृत् उपजनौ दद्वति त्रासने मे यत् पादाश्रितानां श्रुतिशमनिनय रात्रिरग्राह्यमोघात् तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनुदौ सर्वभावैर्नमस्ते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो दुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा।